नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो DSM-5 में है, इसका मतलब होता है मानसिक बुद्धि की क्षमता जो है वो आम लोगों के मुकाबले कम होती है। तो उसमें देखा गया है कि उसका एक कॉमन कारण जो है वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम 1866 में लगन डॉन डाउन जी ने डिस्क्राइब किया था और ये मोस्ट रिसर्च्ड कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का। और ये लगभग 700 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक को होता है, या जिनकी मदर की उम्र ज़्यादा होती है, जैसे कि ओल्ड में बोलते हैं कि बच्चे टाइम पे हो जाने चाहिए, तो अगर 32 या उससे ज़्यादा की उम्र होती है तो उनमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो हैं वो 1 out of 200 भी हो जाते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज में इशू रहता है, मेमोरी में प्रॉब्लम रहती हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। जो हमारे साथ रश्मित मैम हैं जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं और बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन है उनके साथ डील करती हैं, मैम को 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने केस के द्वारा आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए कि उन बच्चों की मदद कैसे की जाती है। तो ओवर टू रश्मित मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मित कौर, स्पेशल एजुकेटर, आज आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगी जो कि डाउन सिंड्रोम के ऊपर है। इस बच्ची को इसके पेरेंट्स हमारे पास आज से 2 साल पहले कुछ कंप्लेंट्स के साथ लेकर आए थे। जैसे कि उनकी 2 मेजर कंप्लेंट्स थी, एक कि बच्ची कोई अपनी चीज़ें बता नहीं पाती है, अपनी बात हमें समझा नहीं पाती है, और दूसरा कि ये स्कूल में स्कूल के अन्य बच्चों के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो बेसिकली इस बच्ची में 2 एरियाज़ में प्रॉब्लम थी। एक तो उसके लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में शब्दावली उसकी ठीक से नहीं थी और वो अपनी बात को रख नहीं पाती थी, और इसकी वजह से उसकी पढ़ाई में भी फ़र्क आ रहा था, वो बाकी बच्चों के साथ मैनेज नहीं कर पाती थी। तो मैम, अगर रश्मित मैम इसको अगर समझाना हो कि आम ज़िंदगी में उसकी इस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और एकेडमिक्स की वजह से क्या फ़र्क आ रहा था या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, बच्ची अपनी बात को कैसे नहीं रख पाती थी अपने माँ बाप के सामने। लैंग्वेज में उस बच्ची के साथ ये दिक्कत आ रही थी कि जब वो बच्ची घर में होती थी और उसने पानी पीना होता था तो वो रोने लग जाती थी अचानक। उसकी मदर समझ जाती थी कि हाँ मेरी बच्ची को प्यास लगी है और वो उसे पानी पिला देती थी, बच्ची चुप हो जाती थी। लेकिन जब वो उस बच्ची ने स्कूल जाना स्टार्ट किया और स्कूल में जो सिस्टम है कि बच्चे को पानी की बॉटल्स नहीं देते हैं क्योंकि बच्चे पानी की बॉटल से जो खेलते हैं या जो भी, तो बॉटल्स बच्चों की थोड़ी दूर टांग दी जाती है। जब उस बच्ची को प्यास लगती थी तो वो अचानक से रोना स्टार्ट कर देती थी, जिसे देखकर सारी क्लास भी परेशान हो जाती थी, टीचर भी परेशान हो जाते थे कि इस बच्ची को अचानक से क्या हो गया। लेकिन वो ये नहीं बता पाती थी कि मेरी बॉटल वहाँ है और मैंने पानी पीना है। इसी प्रकार जब उसकी मदर उसको स्कूल छोड़ने जाती थी या लेने जाती थी, वो कभी भी उनको बाय नहीं करती थी या मम्मी को देख के स्माइल नहीं करती थी, हेलो नहीं करती थी, किसी भी टीचर को देखकर उन्हें भी हेलो बाय नहीं करती थी, जो कि उसकी मदर को बहुत ही बुरा लगता था कि सब बच्चे जो भी आते हैं दौड़कर अपनी मम्मा से मिलते हैं, उनको हेलो करते हैं, बाय करते हैं, टीचर से भी हेलो बाय करते हैं। इसलिए उसकी मम्मी को ये सब बहुत बुरा लगता था, जिसे लेके वो बहुत ही परेशान रहती थी और अपनी इन्हीं परेशानियों के साथ वो हमारे पास आई थी। एकेडमिक्स में उन्हें ये दिक्कत आती थी कि अगर वो बच्ची उस टाइम नर्सरी में थी, लेकिन उसको अक्षरों की पहचान नहीं थी, काउंटिंग पहचानती नहीं थी, और उसको ना ही उसको लिखना आता था। पेंसिल होल्डिंग तो थी बच्ची में, लेकिन उसको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स नहीं बनानी आती थी। मैम, ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स से क्या मतलब होता है? स्टैंडिंग लाइन का अर्थ है कि 2 डॉट ऊपर और नीचे, या स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग में 2 डॉट आगे पीछे, जिससे कि जब हम अक्षर बनाते हैं, अल्फ़ाबेट बनाते हैं ABC, तो वो उसी पे आधारित होते हैं, तो वो बच्ची स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस भी नहीं कर पाती थी। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि इमोशनली उसकी मदर कितनी परेशान थी और बच्चा भी कितना परेशान हो रहा था कि वो चाहकर भी कि वो पानी पीना चाहता है, लेकिन इस छोटी सी बात को भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और दूसरा है कि जो उसकी मदर की इमोशनल पेन थी, जैसे सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाए तो उनको बाय बाय करे, या जब वापस आए तो उनको आके गले मिले, या अपनी टीचर को हेलो बोले या गुड मॉर्निंग बोले या गुड आफ्टरनून बोले, गुड बाय बोले, तो वो नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से उसकी मदर जो थी वो इमोशनली बहुत ही परेशान महसूस करती थी और वो नहीं समझ पाती थी कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जबकि दूसरे बच्चे ऐसा कर पाते हैं। तो उसके अलावा जो है हमने देखा कि उसको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस में भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो जो लाइंस सीधी रेखाएं बनाते हैं और जो लेटी हुई रेखाएं बनाते हैं, जिससे बाद में ए बनेगा या बी, कर्व्स बनाएंगे तो बी बनाएंगे, क्योंकि वो डॉट्स को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो लाइंग डाउन हो
या कर्व्ड हो या घुमा के हो, तो उसकी वजह से उसको शब्दों में भी दिक्कत थी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, और गणित में भी उसको परेशानी थी, जो कि रश्मित मैम बताएंगी। उस बच्ची को मैथ्स में, जब वो बच्ची हमारे पास आई तो उसको मैथ्स में भी परेशानी थी, वो नंबरों को पहचानती नहीं थी, उसको नंबरों की पहचान नहीं थी, और इसीलिए वो काउंटिंग भी प्रॉपर बोल नहीं पाती थी और लिख भी नहीं पाती थी। तो मैम आप ये क्या ये कहना चाहते हैं कि जैसे दो हमने लिखा होता है या तीन लिखा होता है तो वो उसको ये नहीं पता लगता था कि ये दो है या तीन है? बिल्कुल, अगर हमने कहीं पे नंबर लिखे हैं 1, 2, 3 तो उसको नहीं पता था। अगर हम उससे पूछते थे कि 2 कहाँ है तो बच्ची को नहीं पता था कि 2 कहाँ है, 1 कहाँ है बच्ची को नहीं पता था कि 1 कहाँ है। तो आपने देखा दोस्तों उसको मैथ्स में ये परेशानी होती है, जैसे मान लीजिए हम उसको एक टेबल के ऊपर नंबर्स दे दें 1, 2, 3, 4 जैसे कि प्लास्टिक के नंबर आजकल मिलते हैं, और बच्चे को बोलें कि 1 उठा दो या 3 उठा दो रैंडमली, तो बच्चा नहीं उठा पाएगा और वो नहीं समझ पाएगा कि क्या नंबर है, या जैसे 1 केला चाहिए कि 2 केला चाहिए तो वो नहीं बता पाएगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ऐसे बच्चों में अब क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम है वो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है डिसऑर्डर है। तो इसलिए सबसे पहले इस बच्चे में IQ असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर बच्चा 6 साल या 4 साल से छोटा है तो उसमें DQ करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल क्वेश्चन करना पड़ेगा, ताकि हम पता लगा सकें कि वो अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है, उसके हिसाब से हम उसकी स्ट्रैटेजी बना सकें और उसको हम स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस फिर स्टार्ट कर सकें। तो इस बच्चे में मैम हमने फिर क्या किया, हमने उसका DQ करवाया। DQ करवाने के बाद हमें पता चला कि जो उसकी उम्र थी, उसकी जो एक्चुअल एज थी 5 साल थी, लेकिन उसकी जो मेंटल एज थी वो 2.5 या 3 साल के बच्चे के जितनी ही थी। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि बच्चे की उम्र तो 5 साल हो गई है, बट जो उसके मानसिक विकास है वो सिर्फ 2.5 या 3 साल के ही बच्चे का है, इसीलिए वो चीज़ें नहीं कर पा रही थी जो कि उसकी मदर एक्सपेक्ट करती थी। तो उस बच्चे में फिर हमने स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट की, जिसके बारे में रश्मित मैम बताएंगी। फिर हमने उस बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने उस बच्चे को चीज़ों की पहचान करवाई, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में, अपने स्कूल में, अपने घर में अपनी बातों को समझा सके। अगर उसको, जैसे कि मैंने बताया कि उसने पानी पीना था तो वो बॉटल नहीं बता पाती थी, हमने धीरे धीरे उसको फ्लैश कार्ड्स के साथ और पैक बोर्ड्स के साथ चीज़ों की पहचान करवाई। मैम जैसे कि आपने 2 वर्ड यूज़ इस्तेमाल किए जो कुछ लोगों के लिए एकदम नए हो सकते हैं, जिसमें एक फ्लैश कार्ड वर्ड आपने यूज़ किया अगर मैं ठीक से कह रहा हूँ, और एक वर्ड यूज़ किया आपने पैक बोर्ड। तो मैं जानना चाहूँगा रश्मित मैम से कि आम लोग कैसे समझ सकते हैं कि फ्लैश कार्ड और पैक बोर्ड्स क्या होता है? देखिए, जो फ्लैश कार्ड हैं वो कार्ड, नॉर्मल जो कार्ड होते हैं उनके ऊपर पिक्चर्स लगी होती हैं। पिक्चर को हम रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैच करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो वाटर बॉटल को नहीं पहचानती थी, हमने एक फ्लैश कार्ड लिया, मीन्स एक कार्ड लिया, उसके ऊपर बॉटल की पिक्चर लगाई और एक रियल बॉटल ली, हमने बॉटल को बॉटल के साथ मैच करवाया, साथ में बताया उसको कि बॉटल ये बॉटल है, ताकि उसको बॉटल की पहचान हो पाए और जब उसने पानी पीना हो तो वो उस बॉटल को इंडिकेट कर पाए। वो पानी नहीं बोल सकती कोई बात नहीं, बॉटल नहीं बोल पाती कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने पानी पीना है तो वो इशारा कर पाए बॉटल की तरफ, जिससे कि टीचर्स उसकी इस परेशानी को दूर पर कर सकें और उसको पानी चाहिए तो उसको पानी दे सकें। सेकेंडली, जो आपने पूछा सर कि पैक बोर्ड क्या होते हैं, पैक बोर्ड्स बोर्ड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, जिसे हमने उसमें से उनकी शेप में से निकाल के बाहर रखना होता है, और उसके बाद हम बच्चे से पूछते हैं कि ये एलिफेंट है, इस शेप में इसको इसकी शेप में लगाओ, जिससे बच्चे का आई हेड कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है और उसको एनिमल्स की या फ्रूट्स की पहचान भी हम इससे करवा पाते हैं। इसका मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है आँखों और हाथ का मिलन। तो जैसे कि उन्होंने आँखों से तो पहचान लिया कि ये लॉयन है, तो उसको वो उसी तरह से हाथ से भी रख पाएँ, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है बच्चे के खाने के भी काफ़ी काम आता है, क्योंकि जैसे चम्मच से खाना खाना है या बटन बंद करने हैं या अपने शू लेसेस टाई करने हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है बच्चा वो बेटर कर पाएगा। तो मैम इन सब चीज़ों को काम करने में आपको कितना समय लगा, मतलब कितने समय के बाद वो सक्सेसफुली ये बता पाई, कितने सेशंस के बाद कि मुझे पानी पीना है या मुझे खाना खाना है या ये चीज़ ये है? कम से कम 6 महीने मुझे लग गए उस बच्चे को ये करवाने में कि वो अपनी चीज़ों को पहचान पाए और अपनी नीड को बता पाए, वर्बली नहीं लेकिन एक्शन के साथ। आज उस बच्चे को हमारे पास आते हुए 2 साल हो गए हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का एक तो अब इसमें IQ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा 5 साल का है तो उसका DQ हुआ था, तो उसका मानसिक विकास जो था वो लगभग 50% पे था, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में 2.5 साल के ही काम
कर पा रही थी। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेरेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो है पेशेंस, बिकॉज हर कोई चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके, कुछ भी हो सके, कितना भी महंगा हो सके, ये काम फटाफट हो जाए। बट फास्ट फूड की तरह ज़िंदगी सब कुछ फास्ट नहीं है, तो हमें अपने स्पेशल एजुकेटर को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक हो सकता है। जैसे कि मैम ने बताया कि 6 महीने के बाद उसकी ये समस्या हल हो गई कि मुझे पानी पीना है या मुझे कुछ खाना है, तो वो इशारे से ही सही बता तो पाती थी अपनी बात को, अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर पाती थी। और काफ़ी बड़ा जो गैप था उनके इमोशनल रिलेशनशिप का, चाहे वो टीचर के साथ था या पेरेंट्स के साथ था, वो पूरा हो गया। तो अभी भी 2 साल के बाद वो बच्चा मैम के पास आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी थेरेपी जो है वो लंबी चलेगी। पेरेंट्स को पेशेंस रखनी होगी और बच्चे में रिजल्ट्स आएंगे। तो मैम अभी वो बच्चा किस स्थिति में है और कहाँ तक पहुँच गया है? अब वो बच्ची फर्स्ट में, इसी साल वो फर्स्ट में गई है। अब वो बच्ची 2 लेटर वर्ड पढ़ पाती है, इंग्लिश में 3 लेटर वर्ड पढ़ लेती है, मैथ्स में वो काउंटिंग कर लेती है और प्लस के सम भी करने लग गई है। लेकिन इस सब को करने के लिए 2 से 2.5 साल का टाइम हमें लग गया। जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट हमसे मांगते हैं, आते ही पूछते हैं कि मैम हमें अब बताइए कि हमारा बच्चा कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इन सब को करने के लिए हमें संयम चाहिए, टाइम लगता है, लेकिन बच्चे में रिजल्ट ज़रूर आता है। आज उसको हमारे पास आते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद वो बच्ची इस साल फर्स्ट क्लास में गई है और वो पढ़ लेती है 2 लेटर वर्ड हिंदी के पढ़ पाती है, इंग्लिश में 3 लेटर वर्ड पढ़ लेती है, मैथ्स में काउंटिंग भी कर लेती है, माइनस तो अभी उसे नहीं आता लेकिन प्लस के सम वो कर लेती है। लेकिन किस बच्चे में कितनी जल्दी कैसे रिजल्ट आएगा ये हम भी नहीं बता पाते हैं एग्जैक्टली। जैसे पेरेंट आते ही हमसे कहते हैं कि मैडम आप बताइए कि बच्चे का कितनी जल्दी बच्चे में रिजल्ट आएगा, तो इस सब को करने में टाइम लगता है। कुछ बच्चों में रिजल्ट जल्दी आता है लेकिन कुछ बच्चों में टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। जब 2 साल की मेहनत के बाद बच्चे में अब इतने सारे बदलाव आ गए हैं पढ़ाई लिखाई में, तो मेरी भी एज ए डॉक्टर क्यूरियोसिटी है कि उसकी उस बाय बाय टाटा का क्या हुआ, जिसको लेके उसकी मदर काफ़ी इमोशनली परेशान थी, जो वो टीचर को भी नहीं करती थी और उनको भी नहीं करती थी। हाँ जी सर, अब वो आती है हमारे पास तो बाय बाय टाटा करती है, आके हेलो करती है, विश करती है आकर मुझे भी, और उसकी मदर ने बताया कि वो स्कूल जाकर भी टीचर्स को भी विश करती है, उसके फ्रेंड्स भी बन गए हैं जिनके साथ की वो खेलती है और वो मदर को अपनी बात समझा भी पाती है। तो अभी मैम अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जिसपे काम करने की ज़रूरत है या अब समय आ गया है कि अब उसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें कि उसके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर हो गया है, लेकिन उसको और बेटर बनाने के लिए हमें उसके साथ काम करते ही रहना पड़ेगा। और एकेडमिक में उसको 3 लेटर वर्ड जैसे मैंने बताया कि रीडिंग आ गई है, लेकिन आगे उसको रीडिंग कंटिन्यू करने के लिए अभी उसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों उसका जो डी क्यू जो है वो लगभग 50% है, तो ये ट्रेनेबल बच्चे होंगे तो इनको हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। बट सपोर्ट के साथ हम इनके जीवन में काफ़ी सकारात्मक जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल या नियर नॉर्मल ज़िंदगी को जी पाए। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में रश्मित मैम हमने हमें जानकारी दी कि उनका फेस जो होता है थोड़ा राउंड टाइप का होता है, या मंगोलियन फेस भी बोलते हैं इसको। हैंड्स जो होते हैं उनके वेब्ड हैंड या गद्देदार हाथ होते हैं। कान जो होते हैं उनके छोटे होते हैं। और क्योंकि इन सारे बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम भी होती है, तो उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी रफ या ड्राई हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं और तो उनको डाउन सिंड्रोम शायद हो सकता है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो एक सही माध्यम नहीं है डायग्नोसिस बनाने का। जब भी आपको डाउट हो तो आपको अपने नज़दीकी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या पीडियाट्रिशियन बहुत आराम से बता देंगे कि इनको डाउन सिंड्रोम है या नहीं। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उनका IQ असेसमेंट कराना, अगर उनकी 6 से ज़्यादा है, या DQ असेसमेंट कराना अगर उनकी उम्र जो है वो 6 साल से छोटी है। उसके बाद उन बच्चों के हिसाब से स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम बनाना, ताकि बच्चे के साथ 1-to-1 काम किया जाए, क्योंकि वो क्लास के साथ तो बाकी बच्चों के साथ मिलकर नहीं चल पा रहा। इस तरह हम पेरेंट्स की लाइफ को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं, बच्चे की लाइफ को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं और उसको वो ज़िंदगी दे सकते हैं जिसका वो हकदार है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं उन पेरेंट्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो, कमेंट कर सकते हैं अगर आप मुझसे या रश्मित मैम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।